आज हम अपना फ्रेश चैप्टर एंटरप्राइज रिसोर्स मैनेजमेंट बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एंटरप्राइज रिसोर्स मैनेजमेंट, इसको आपने अक्सर सुना होगा एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के नाम से, ईआरपी सिस्टम के नाम से हम बुलाते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दो टर्म, एंटरप्राइज एंड रिसोर्स। एक एंटरप्राइज अगर होती है तो उसके रिसोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं। अगर मैं एक बात करती हूं कि एक एंटरप्राइज अगर होता है तो उसके रिसोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, तो अगर आप रिसोर्सेस की बात करते हैं तो रिसोर्सेस इसका ह्यूमन रिसोर्स हो सकता है, इसका फाइनेंस हो सकता है, मार्केटिंग हो सकता है, इसके रिसोर्सेज में आपका प्रोडक्शन आ सकता है, R&D आ सकता है। तो ये सारे क्या होते हैं, एक एंटरप्राइज के रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, आप प्रोडक्शन में आप मटेरियल यूज करते हो और आप कोई रॉ मटेरियल से कोई फिनिश गुड्स बना रहे होते हो। मार्केटिंग में आप जो है लोगों को रिमाइंड करवा रहे होते हो कि आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज क्या है, कैसे वो वर्क करता है। फाइनेंस, जो आपके जितने फाइनेंशियल नेचर की चीजें होती है, जैसे हम अगर शेयर होल्डर्स की बात कर ले, शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, डेट फंड, ये सारी चीज आप क्या करवाते हो, फाइनेंस करवाते हो। ह्यूमन रिसोर्स, जो आपका स्टाफ होता है, ठीक है, आपको सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसकी आपको जरूरत पड़ती है। तो ये सारे एक एंटरप्राइजेस के क्या है, रिसोर्सेज है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो एंटरप्राइज रिसोर्स मैनेजमेंट मीन्स एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम जो इन सारी चीजों को आपस में क्या कर ले, मैनेज कर ले, ये जितने भी रिसोर्सेज हैं इन सबको क्या कर ले, मैनेज कर ले, या इन सारे रिसोर्सेज के बारे में क्या कर ले, प्लानिंग कर ले। तो एक ऐसा सिस्टम जो जितने भी इसके रिसोर्सेज हैं, एक ऐसा सिस्टम जितने भी इसके रिसोर्सेज हैं एंटरप्राइजेस के, उन सारे रिसोर्सेज, उन सारे प्रोसेस को एक साथ आगे लाता है। एक ऐसी चीज कि ये सब इंडिपेंडेंट भी हैं, ये सारे रिसोर्सेज इंडिपेंडेंट भी हैं, और ये सारे रिसोर्सेज मिलके इस एंटरप्राइज के पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए भी काम करते हैं। तो ये सारे रिसोर्सेज, जैसे हमारे कह लो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जैसे बनाया गया है कि उसमें अगर हम देखें सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है, और उनकी अपनी अलग अलग लेवल पे फ्रीडम है, वैसे ही इन सारे रिसोर्सेज के अपने अपने लेवल पे फ्रीडम है, वो सारे काम करते हैं, लेकिन वो मिलकर एक पर्टिकुलर एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव के लिए भी काम करते हैं। तो इन सारी चीजों को हमने एक इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाल दिया, जिस सिस्टम को हम एंटरप्राइज रिसोर्स मैनेजमेंट ERM या ERP एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के नाम से जानते हैं। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या है, मैंने आपको बताया था एक कॉन्सेप्ट है, वैसे ही ERP या ERM क्या है, एक कॉन्सेप्ट है, और इसे डिफरेंट कंपनीज जो है प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि आपने SAP का नाम सुना होगा, PeopleSoft का नाम सुना होगा, तो ये सारे जो है डिफरेंट अलग अलग कंपनीज हैं, वेंडर्स हैं, जो बेसिकली आपको ERM या एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जो है ये प्रोवाइड करते हैं। तो इसी के बारे में बेसिकली हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। आप ये सोचिए कि बेसिकली ये एंटरप्राइज रिसोर्स मैनेजमेंट जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अगर हम ERP के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो सबसे पहले मैं कहूंगी कि एक एंटरप्राइज के जितने भी वेरिएशंस होते हैं, वेरिएशन क्या है, ये अलग अलग फंक्शंस, ERP एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो इन सब वेरिएशन को एक सपोर्ट देता है, और आप ERP के इंफॉर्मेशन सिस्टम पे इन सारे मॉड्यूल्स, इसको आप क्या बोलेंगे, ये इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स बोला जाता है इसे इंफॉर्मेशन सिस्टम में। आपका प्रोडक्शन का अलग मॉड्यूल होगा, मार्केटिंग का अलग मॉड्यूल होगा, फाइनेंस का एक सेपरेट मॉड्यूल होगा। तो ERP सिस्टम में हर एक फंक्शन, हर एक वेरिएशन के लिए एक अलग अलग मॉड्यूल होता है, और वो मॉड्यूल
आपस में क्या है, मिलकर मॉड्यूलर स्ट्रक्चर पे काम करता है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि ईआरपी सिस्टम जो है वो सारे एंटरप्राइज के वेरिएशंस को सपोर्ट करता है, सारे फंक्शंस को सपोर्ट करता है। अब इन सारों के हमने सारे फंक्शंस को अगर ये सपोर्ट करता है, इट मींस कि हमने उसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ला दिया, तो हमारे काम की प्रोडक्टिविटी क्या है, वो बढ़ेगी। हमारे काम की प्रोडक्टिविटी इस ईआरपी सिस्टम के साथ जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, यहां पे सबसे बड़ी खूबी ईआरपी के साथ ये है कि कस्टमर टू कस्टमर, आपको मालूम है कि हर एक एंटरप्राइज की रिक्वायरमेंट थोड़ी चेंज होती है, तो कस्टमर टू कस्टमर अगर आपकी रिक्वायरमेंट चेंज है तो ये जो ईआरपी सिस्टम होता है, जैसे कि हमने बात की थी इंफॉर्मेशन सिस्टम में ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम की, तो ये ओपन सिस्टम है, यानी कि आप इसे अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग काफी हद तक चेंज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उसकी भी एक लिमिटेशन है। ठीक है, चेंज कर सकते हो, लेकिन बहुत मतलब कि एकदम से अगर आपका बड़ा चेंज हो तो वैसा भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी ये ओपन सिस्टम है। तो यानी कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहां पे सिस्टम के फंक्शंस को या जो भी सॉफ्टवेयर है उसको चेंज कर सकता है। तो ये बढ़िया ऑब्जेक्टिव है कि कस्टमर को यहाँ पे पावर मतलब कि मिलता है कि वो बिजनेस प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो है वो जो है सिस्टम को अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज कर ले। काफी अगर ईआरपी से जितना काम पूरा होता है, अगर आप आउटपुट देखें तो उस आउटपुट के कंपैरिजन में इसकी कॉस्ट काफी कम होती है, तो इसलिए आप इसे कॉस्ट इफेक्टिव भी बोल सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव भी बोल सकते हैं, और काफी प्रॉम्प्ट और इफेक्टिव लेवल पे ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। तो बेसिकली ये जो ईआरपी सिस्टम आया, ये जो आपने डिफरेंट चीजें प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ रखी थी, जैसे कि अगर मैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करूं, इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करूं, कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, इन सारी चीजों को मिलाकर ही ये ईआरपी सिस्टम जो है वो बनाया गया है। तो ये जितने भी इसमें आप फंक्शंस देख रहे हो, ठीक है, प्रोडक्शन, एचआर, सेल्स, ये सारे के सारे क्या हैं, ये अलग अलग मॉड्यूल बोले जाते हैं एक ईआरपी सिस्टम पे। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली एक ईआरपी सॉल्यूशन के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। बेसिकली हम इस पे डिस्कशन करेंगे कि इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं।